अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी नेक्स्ट क्लास टाइम का हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने गैस स्टेट को डिस्कस कर लिया था, गैस की टिपिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया कि क्या है। उसके बाद हमने गैस से रिलेटेड जो लॉज थे, बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, हमने उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम फिर गैस स्टेट की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लिक्विड स्टेट की सबसे पहली प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन। ये फेनोमिना आप सबको इसके बारे में पता होगा। इवेपोरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। के एक जो लिक्विड है, पानी है, पानी वो आप भी बुहारात में चेंज हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। वेपराइज मतलब गैस फॉर्म में, लाइक आप एक लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी आपने एक पैन भर के पानी गर्म किया था, आप ज़्यादा देर उसको करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, तो आधा हो गया या कम हो गया, जितना भी क्या हुआ है कि उसमें हमारे पास जो पानी है, क्योंकि अब हम कॉन्टीन्यूसली उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उन वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तो अब वो एक्टिव हो गए हैं, तो वो इस वजह से जो है वो उड़ जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज। कि हमारे पास जो लिक्विड फेज है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, दैट इज नॉट ओनली वाटर, एल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कोई भी लिक्विड, तो वो लिक्विड जो है गैस फेज में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिक्विड जो है उड़ के ऊपर आप भी बुहारात में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। और इवेपोरेशन जैसा कि आपको पता है, ये फेनोमिना जो है वो हम डेली लाइफ में फेस भी कर रहे हैं कि पानी है तो पानी उड़ के वेपर्स बनाता है, मतलब यहाँ पे पानी लिक्विड है, लिक्विड जब उड़ा वेपर्स बने तो वेपर्स किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। अब वो वेपर्स दोबारा जब ऊपर जाते हैं आसमान में तो वहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड होता है, तो दोबारा वो गैस जो है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, कि जिसमें जो गैस फेज है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, तो वो दोबारा बादल बना देते हैं। बादल आपको पता है लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, पानी होता है उनमें, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, गैस का लिक्विड में चेंज होना। लेकिन लिक्विड का गैस में चेंज होना उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन कहा जाता है कि रिवर्स है टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का रिवर्स है, कि कंडेंसेशन में हमारे पास गैस लिक्विड में चेंज हुआ है, लेकिन इवेपोरेशन में हमारे पास लिक्विड जो है वो उड़ के वेपर्स में चेंज हो गया है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऑब्वियसली बात है, इवेपोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसका ऑपोजिट एक्सोथर्मिक होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जब हो रहा हो तो हीट रिलीज हो, निकले बाहर, वो एक्सो होता है, और ऐसा प्रोसेस जो हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब करके फिर हो, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जैसे आपको पता है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब हैं, गैस में वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, एनर्जेटिक है, तो जब लिक्विड ने गैस में अगर चेंज होना है तो उसको एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ना, कि गैस में चेंज होने के लिए गैस जितनी एनर्जी उसको चाहिए, तो इस वजह से जो लिक्विड है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फ्री हो जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट की वजह से उनमें एनर्जी आती है और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। तो इस वजह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है इवेपोरेशन का। जैसे उन्होंने कहा है कि हमारे पास वाटर है तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, पानी है, तो पानी फिर जब वेपर्स में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है, तो उसके लिए इतनी एनर्जी 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। वाटर को एक मोल पानी है तो उसको हमें गैस में चेंज करना है, वेपर्स में चेंज करना है, तो फॉर दिस वी रिक्वायर 40.7 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। इवेपोरेशन कैसे होती है, बेसिकली होती कैसे है, ये बड़ा आसान सा तरीका है कि जो लिक्विड है ना,
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मूव करते हैं लिक्विड, जैसे आपको पता है लिक्विड मूव करता है, हम उसको फेंकेंगे वो आगे की तरफ फ्लो करेगा, फ्लो करता है, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है, बाकी मॉलिक्यूल्स की निस्बत उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं और इस वजह से वो ऊपर को उड़ जाते हैं। तो ये हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई हार्श टेम्परेचर हो, इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जो सारे के सारे टेम्परेचर्स पे, एट ऑल टेम्परेचर्स, एट एवरी टेम्परेचर कैरी आउट होता है, कम टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर